एवरीवन, इधर बोलो, इधर देख के बोलो, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं लवासा, तो ये तो आप सब लोगों को टाइटल देख के पता चल गया होगा। मैं कल आप लोगों से बोल रही थी ना कि हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। एक्चुअली लॉकडाउन के बाद ही हम लोगों का शॉर्ट फर्स्ट ट्रिप है। तो लवासा ना पुणे से 2 आवर्स दूर है, और जो लोग महाराष्ट्र में नहीं है तो उनको मैं बता देती हूँ, लवासा इंडिया की लार्जेस्ट हिल सिटी है और बहुत अच्छा है, वहाँ पे सीनिक वगैरह है। इनफैक्ट काफ़ी लोग तो लवासा को इटली से कंपेयर करते हैं, बट पता नहीं, अभी जाके देखती हूँ कि वैसा कुछ है कि नहीं है। और मैं हम लोग गए थे, आज से 6 साल पहले गए थे हम लोग, शादी के बाद गए थे, तो तब का मुझे बहुत लाइट मेमोरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है ध्यान है कि क्या देखा था, लेकिन आज वापस जाके पता चलेगा। तो एनीवेज अभी हम लोग निकले हैं और अभी टाइम हो रहा है, पूरे 10 बज रहे हैं, 9 बजे का टारगेट था हमारा, लेकिन निकलते हुए और थोड़ा सामान चुंगम वगैरह पिक करते करते फाइनली 10 बज गए हैं अभी, और ऑलमोस्ट 2 आवर्स हम लोगों को लग जाएंगे, तो पहुँचते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या क्या है। और यहाँ पर सब लोग रेडी हैं। अमित हेलो बोलो जल्दी से, हेलो बोलो, हेलो बोलो मम्मी, हेलो बोलो, हेलो। सब लोग सेट है जाने के लिए, हमारे लॉकडाउन के बाद फर्स्ट ट्रिप है, फर्स्ट शॉर्ट ट्रिप। हाँ चलो चलो। तो रास्ते में ना हम लोग यहाँ पे रुके हैं, ये है टैमगढ़ डैम, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे फोटोग्राफी कर लेते हैं। 6 साल पहले का याद आ गया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 6 साल पहले भी फोटोग्राफी की थी। बैठना आपको, बैठ जाओ मम्मी, लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू है। और मास्क मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं है बिल्कुल भी। पक गया यार मास्क फोटोग्राफी से। अनमित को थ्रो कर दें, कर दो अनमित को थ्रो करना, 1 2 3 करना, थ्रो करेंगे अनमित को, बोलो 1 2 3। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लवासा, और यहाँ पे ये लेक है, हमने अपनी कार पार्क की थी यहाँ पे, तो अभी हम लोग यहीं पे ही रुक गए हैं। और अनमित का तो फुल स्विमिंग करने का मन है, बोल रहा है टी शर्ट ऑफ टी शर्ट ऑफ। तो अभी यहाँ पे ना स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह, तो अभी वो देखने पड़ेंगे कि वो मतलब शुरू है कि नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद क्या हुआ कुछ आइडिया नहीं है। तो वो दूसरी साइड है, तो अभी वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे जो पार्किंग है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है, 500 रुपीज़ पार्किंग के लगे हैं, तो आई थिंक अनयूजुअल है ना सौरभ इतना पार्किंग, क्योंकि पहले हम लोगों ने कभी इतना पार्किंग पे नहीं किया, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लगा हम लोगों को 500 रुपीज़ का। क्या कर सकते हैं, आना तो था ही, घूमना भी था ही, तो चलता है।
अभी अनवित और हम सब पानी में एंजॉय करके आ रहे हैं, तो अभी हो गया है हमारा खाने का टाइम। पहले हम कुछ खाएंगे, उसके बाद करेंगे कोई काम, दूजो और जगह का एक्सप्लोर करेंगे। तो सुबह ही ना हम लोग थोड़े सैंडविचेस और पुलाव बना के लेके आए थे, क्योंकि अभी बाहर का तो कुछ भी खाना नहीं है और सोचा कि पुलाव वगैरह बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा, वही बना के लेके आए हैं। तो अभी इंजॉय करते हैं हम अपना लंच। फाइनली लंच वगैरह हो गया है और अभी थोड़ा वॉक के लिए निकले हैं। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे ट्रिप पे भी ना उतना मतलब मज़ा नहीं आता जब कोई ना दिखाई दे, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। लेकिन यह है कि अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट निकले इतने दिन बाद और मन चेंज हुआ। तो एक व्यू है जो मैं भी आपको दिखाऊंगी, जिसको लोग इटली से कंपेयर करते हैं। इटली में एक्चुअली कैप्री के पास है प्लेस जहाँ पे लोग कंपेयर करते हैं, तो दिखाती हूँ अभी आपको, मैं उसके नियर अबाउट ही हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं ऑपोजिट साइड जहाँ पे हम लोग थे, जा रहे हैं नीचे। यहाँ पे ना वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, तो वही देखने के लिए जा रहे हैं कि अभी ओपन है कि नहीं है। तो क्योंकि लोग तो कम हैं, यहाँ पे ट्रेन भी चलती है एक, वो तो बंद थी, तो ऐसा लग रहा है कि वाटर स्पोर्ट भी शायद ना हो। खैर वो तो जाके पता चलेगा, देखते हैं अभी। फाइनली अभी रात हो गई है और हम लोग आ गए थे आगे, फिर चाय वगैरह पिया, थोड़ा लेट ही हो गया था। एक्चुअली आते वक्त ना मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उनको वोमिटिंग वगैरह हो गई थी। थोड़ा हिली एरिया है ना और काफ़ी लोगों को सूट नहीं करता, और उनकी तबीयत तो वैसे भी आपको पता है कि थोड़ा ख़राब ही रहती है। तो बस ये है कि ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, जिसके कारण वहाँ पे जो फाउंटेन्स वगैरह हैं और भी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, साइकिलिंग वगैरह है, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो लग रहा था कि आज कुछ एक्टिविटी करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से पार्किंग 500 रुपीज़, पहली बार मैंने सुनी है इतनी कॉस्टली पार्किंग। अगर आप लोगों के यहाँ पे किसी एरिया में होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी ये था कि एक सिंपल सी आउटिंग हो गई इतने महीनों बाद कि चलो ठीक है, कहीं घूम फिर के आ गए और आराम से बाहर बैठ के खाना खा लिया आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो एकदम जो माइंड है ना वो फ्रेश हो गया, तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग भी शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए जल्दी से मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, क्योंकि वाला ब्लॉग ना मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी। बहुत ज़्यादा भी टायर्ड हो गई है, इतना देर अभी कार में बैठने का हैबिट नहीं है ना, मतलब बहुत टाइम बाद इतना लॉन्ग जर्नी करके गए। अनवित वेट अनवित, तो वही इसलिए काफ़ी टायर्डनेस हो रही है। तो चलिए जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ, आपकी अपनी नेहा के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।